हेलो फ्रेंड्स, मैं कालका आईएएस भोपाल से आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम इंग्लिश के एक नए पार्ट को पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले मेरे काफ़ी सारे टेंस के वीडियो आ चुके हैं, जिसमें हमने काफ़ी सारे डीप रूल्स पढ़े थे और जो एग्जाम्स में आता है उसके बारीक से बारीक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की थी। आपको शायद पता हो कि आजकल जो एग्ज़ाम्स हैं, अगर आप पेपर देखें व्यापम के, अगर आपने PVS पेपर डाउनलोड किए हों तो उसमें काफ़ी रूल्स बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं। एंड हर दिन पेपर ऑनलाइन होता है तो हम एग्जैक्टली कह भी नहीं सकते कौन कौन सा रूल्स किस क्वेश्चन में, किस पेपर में, किसके समय पर आ जाए। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपको काफ़ी सारे डीप रूल्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए। तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कहाँ कर सकते हैं? आप जो PVS पेपर्स हैं उन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा और आपका प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो जाएगी, जिससे हम एनी हाउ इस बार एग्जाम्स में क्वालिफाई कर सकें। इस पोर्शन में हमें फोकस करना है फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स के लिए, तो इसके लिए हमें एफर्ट लगाना होगा बहुत ज़्यादा। तो चलिए, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इसे रेगुलर बेसिस पे वॉच करते हैं, आई नो दैट वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और कुछ भी कर सकते हैं फॉर क्लियरिंग द एग्जाम्स। तो चलिए, इसी सीरीज में हम आगे फिर से बढ़ते हैं और इसके एको पोर्शन को सॉल्व करते हैं। तो इंग्लिश में अभी तक हमारा जो हो चुका है पेजेंट इंडेफिनिट कम्प्लीट हो चुका है विथ रूल्स, पेजेंट कंटिन्यूस विथ रूल्स, पेजेंट परफेक्ट विथ रूल्स, विथ 4 and 5 रूल्स, एंड नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट रूल्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो बेसिकली ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो हम करते हैं, इसका सिंपल संबंध है, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, परफेक्ट मतलब हो चुका है, कंटिन्यूस मतलब लगातार। ऐसी सारी घटनाएं जो वर्तमान में लगातार घटित होते हुए बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुकी हैं, ऐसी सारी घटनाएं किस में आती हैं? आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो बेसिकली आपको शायद इसके बारे में पता होगा, इसमें हम जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं हैज, हैव, बीन प्लस ing, इसके साथ वर्ब के साथ प्लस, इसमें हमेशा सिंस एंड फॉर को यूज किया जाता है समय को बताने के लिए, सिंस एंड फॉर यूज किया जाता है समय को एक्सप्रेस करने के लिए, समय के बारे में बताने के लिए। तो इसमें जो चीज़ें होती हैं, इसमें एक्चुअली कोई रूल्स नहीं होता, जो चीज़ें आपकी कंटिन्यूस, अगर मतलब इसमें आपकी जो पहचान करने की चीज़ होती है कि अगर सिंस ऑफ फॉर दिया हुआ है तो डेफिनेटली हम इसमें जो यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब्स हैज और हैव। आपको पता है जो हैज यूज होती है वो किसके साथ यूज होती है, सिंगुलर फॉर्म के साथ, हैव यूज होती है वो किसके साथ यूज होती है, प्लूरल फॉर्म के साथ। नाउ वी नाउ फॉरवर्ड नेक्स्ट पोर्शन, हम नेक्स्ट पोर्शन के लिए फॉरवर्ड होते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कैसे क्या इसमें और रूल्स हैं और कैसे हम कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें जो आपको चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है, जैसे आपको एग्जाम्पल जैसे आएगा, क्वेश्चन आएंगे जैसे आए मंडे, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मंडे। अब इसमें अगर आपके ऑप्शंस आ जाते हैं जैसे हैव बीन, एम, वॉश, सेल, तो आपको पता है यहाँ सिंस का यूज हुआ है, तो डायरेक्टली आप क्या पुट करोगे इसमें, हैव बीन पुट करोगे, क्योंकि सिंस एंड फॉर यूज की जाती है तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। और इसमें हम जो डायरेक्टली पुट करेंगे वो किसको लगाएंगे, हम हैव बीन को रखेंगे, तो सिंपल है। फिर इसमें आपका ट्रिक कहाँ पे यूज हो रहा है, कहाँ आपको इसमें दिमाग लगाना है, इस वाले पोर्शन में आपको जो दिमाग लगाने का होता है वो होता है कि कहाँ पर सिंस का यूज किया जाता है और कहाँ पर फॉर का यूज किया जाता है। तो हम इसे पढ़ेंगे, इसे अच्छे से सॉल्व करेंगे, कहाँ पर सिंस यूज होता है एंड कहाँ पर फॉर। तो रूल्स फॉर सिंस एंड फॉर, नेक्स्ट है सिंस एंड फॉर के लिए रूल्स। तो इसमें सबसे पहले हम जो देखते हैं वो देखते हैं फॉर के लिए रूल्स,
फोर का जो यूज किया जाता है वो अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। अनिश्चित समय, जो समय अनिश्चित होता है, जो फिक्स नहीं होता, उनके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? फोर का। तो बेसिकली इसे सिंपल कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम समझ सकते हैं, ऐसे सारे समय जिसमें आप फिक्स नहीं कर सकते हो, जिसमें आप नहीं बता सकते कि एक्चुअली कितने समय के लिए क्या है, कोई नहीं बता सकता आप, क्या कोई भी उसके बारे में एक्जैक्ट समय नहीं बता सकता। तो ऐसे सारी चीज़ें किस में आती हैं? आपकी फोर में आती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जैसे आपको बताती हूँ, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? मोमेंट्स, क्षण। मोमेंट से मिलके क्या बना होता है? सेकंड्स। सेकंड से मिनट्स, मिनट से मिलके क्या बना होता है? आवर। आवर से वीक, वीक से मिलके क्या बना होता है? मंथ। सॉरी, आवर से मिलके डे बना होता है, डे से मिलके क्या बना होता है? वीक। वीक से मिलके मंथ, मंथ से मिलके ईयर, ईयर 10 ईयर को क्या बोलते हैं? डिके। डिके से मिलके क्या बनता है आपका? सेंचुरी। ओके, तो ये सारी चीज है अगर आपकी आती है, क्योंकि ये बहुत छोटी यूनिट्स हैं, याद करना बहुत ईजी है। सबसे छोटी यूनिट्स क्या होती है? छर। छर से मिलके सेकंड्स, सेकंड से मिलकर मिनट्स, मिनट से मिलके आवर, आवर से मिलके डे, घंटों से मिलके क्या बनता है? दिन। दिन से मिलके वीक, सप्ताह, सप्ताह से मिलके मंथ, महीना, महीनों से मिलके ईयर, साल, साल से मिलके डिके। डिके मतलब जो 10 दिन का जो होता है डिके, और डिके से मिलके सेंचुरी। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है? आपकी फोर में। ओके, सिंपल है फोर का यूज। ओके, अगर इनके आगे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी दी जाए, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब 5 मिनट्स, 5 वीक, 5 मंथ्स, 5 ईयर, अगर इस प्रकार से भी आपकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाती है, तो उस केसेस में भी हम किसका यूज करेंगे? फोर का यूज करेंगे। सिंपल है। फॉर लॉन्ग पीरियड कोई, या फिर ऐसी कोई वैल्यू दी जाती है जो फिक्स नहीं है, लॉन्ग पीरियड्स एंड ऑल, तो इन सब के साथ हम क्या यूज करेंगे? फोर का यूज करेंगे। पर इनके साथ जो कंडीशंस याद रखनी वो ये रखनी, क्योंकि आपको जैसे बोला जाए नोट कि 5 दिन से काम कर रही हो, तो आप नहीं बता सकते ना एग्जैक्ट कौन से 5 दिन, कौन से 5 दिन से आप काम कर रहे हो, कोई नहीं बता सकता। तो इस केसेस में हम किसका यूज करते हैं? फोर का यूज करते हैं। बट नाउ नोट किया इसमें लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि अगर इन शब्दों के बाद में एगो या पहले लास्ट का उपयोग हो, तो उस केसेस में हम फोर का उपयोग ना करके सिंस का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, 5 मिनट्स एगो, ये आपका दिया हुआ है, तो उस केसेस में 5 मतलब इस टाइप से नहीं आएगा, 5 F5 V, तो उस केसेस में हम जो फिल करेंगे वो किसका उपयोग करेंगे? सिंस का। तो समझ लीजिए, नोट को ध्यान रखिएगा। नोट इसमें ये है कि अगर इन शब्दों के पहले किसका प्रयोग हो? लास्ट का। अगर इन शब्दों के पहले लास्ट का प्रयोग हो और बाद में किसका प्रयोग हो? एगो का, क्योंकि चीज़ें इस केस में क्या हो जाती हैं? फिक्स हो जाती है। इस केस में ये सारे समय क्या हो जाते हैं? फिक्स हो जाते हैं। अंतिम 5 दिनों से काम कर रही हो, तो आप बता सकते हो कि कौन से अंतिम 5 दिन है। आज से मैं काउंटिंग कर लूँगी, गिन सकती हूँ ना आज से मैं, आज से मैं गिनना स्टार्ट कर दूंगी, तो वो क्या हो जाएंगे? आपके अंतिम 5 दिन। तो ये सिंपल सा लॉजिक है कि अगर इन शब्दों के पहले लास्ट का यूज हो और बाद में एगो का यूज हो, तो हम किसका उपयोग करेंगे? फोर का उपयोग करेंगे। तो होप सो आपको फोर का यूज समझ में आया होगा। नाउ हम मूव फॉरवर्ड होते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आपको पता है, आपको लगता है कि जब फोर या सिंस आता है तभी हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं, चाहे वो किसी का भी परफेक्ट कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, या फिर फ्यूचर का हो। नॉर्मल लॉजिक है, सिंस या फोर है, उसके साथ समय दिया हुआ है, तो उस केसेस में हम किसका उपयोग करेंगे? परफेक्ट कंटिन्यूस। 2 सेकंड में आप पहचान सकते हो। अगर मैं आपको ये एग्जांपल दूं तो आप इसमें क्या कहेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल, दिस इज योर एग्जांपल।
अब इस केसेस में आप क्या कहेंगे, क्या फील करेंगे, क्या आपको लग रहा है कि इसमें क्या आना चाहिए? जैसे फॉर एग्जांपल आ गया इसमें इश, वॉश, सी, चलो मैंने एम डी पुट कर देती हूँ मैं, विल, या फिर सबसे खतरनाक ऑप्शन, सबसे खतरनाक ऑप्शन होता है नन ऑफ दीज। ये आपके चार ऑप्शंस हैं, तो आप किसको फिल करेंगे? तो आप लगाएंगे अक्कर बक्कर बम्बे वो ए बी में से है कोई सही। आपको लगेगा कि या तो ये जाएगा या फिर वो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस में हम किसके साथ यूज करते हैं? वर्ब के साथ आईएनजी का उपयोग करते हैं, तो आपको ये लगेगा। बट रॉन्ग, इसमें जो पोर्शन आएगा वो आएगा सी ऑप्शन, सी। तो सिंपल लॉजिक है कि अगर जो मैंने आपको शब्द लिखवाए थे उनके साथ किसका प्रयोग हो, ऑल का प्रयोग हो, तो वो होता सा, वो जो शब्द है वो टेंस है, वो होता आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही है। अगर ऑल का प्रयोग हो तो वो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही होता है, परंतु उसमें सिंस या फॉर का प्रयोग नहीं किया जाता। इसे याद रखिएगा, सिंपल है। अगर इन शब्दों से पहले किसका प्रयोग हो आपका, जैसे दिए हुए हैं ऑल डे वगैरह, अगर इन शब्दों से पहले किसका प्रयोग हो, ऑल का प्रयोग हो, तो ना हम सिंस का प्रयोग करते हैं ना हम फॉर का प्रयोग करते हैं, वो सेंटेंस आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा आपका? हैज बीन ऑप्शन आएगा। तो होप सो आपको ये समझ में आए होंगे फॉर के रूल्स एंड फॉर के अलावा फॉर के बिना के रूल्स, क्लियर है? चलिए हम सिंस का यूज करते हैं। सिंस का यूज कहाँ पे यूज होगा? सिंस का सिंपल सी पहचान है कि जो सिंस का प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? निश्चित समय के लिए। जो भी समय हमारा क्या होता है? निश्चित। जैसे समय, एग्जैक्ट समय 7 AM 7 PM, दिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, पार्ट ऑफ डे क्या होता है? मॉर्निंग इवनिंग नाइट। मंथ जनवरी फरवरी मार्च, मंथ हो गया। सेंचुरी ईयर्स नेम 2016 17, डिके नेम आइस एज मौर्य एज मुगल एज, डिके नेम हो गया, पार्ट ऑफ डे हो गया। इसके अलावा फेस्टिवल्स, होली दिवाली, सीजन समर विंटर, सीजन जितने भी सीजन होते हैं समर विंटर स्प्रिंग रेनी, इतने सारे सीजन के आगे किसका यूज किया जाता है? सिंस का यूज। जितने भी फेस्टिवल हैं, ओके, स्टेज ऑफ लाइफ, स्टेज ऑफ लाइफ मतलब जो हमारी स्टेज होती है लाइफ की, जैसे बचपन जवानी बुढ़ापा किशोर अवस्था, ये क्या कहलाती है हमारी लाइफ की स्टेज, स्टेज ऑफ बॉडी या लाइफ की स्टेज, उन सब के आगे हम किसका यूज करते हैं? सिंस का यूज, क्योंकि वो फिक्स होता है ना, बचपन से वो काम कर रहे हैं। इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स होते हैं जो फिक्स होते हैं जिन्हें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं आपको कि मैं अपने मम्मी पापा की 20वीं एनिवर्सरी से जॉब कर रही हूँ, तो मुझे तो पता है ना कि मेरे मदर फादर की 20th एनिवर्सरी कब थी, मुझे तो फिक्स पता है कि कब हुई थी क्या हुई थी। तो ये क्या हो गई आपकी? फिक्स हो गई कि 20वीं एनिवर्सरी से काम कर रही हूँ। या फिर फॉर एग्जांपल मैं अपने भाई की 4th सालगिरह से कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। तो जो इवेंट्स होते हैं जो फिक्स हो जाते हैं जिसके बारे में हम बताते हैं, कोई भी इवेंट्स है, कोई भी इवेंट्स हो सकता है, जैसे आपका कॉलेज का फर्स्ट ईयर, ये सब भी किस में आते हैं आपके? इवेंट्स में। तो ऐसी सारी चीज़ें जो फिक्स हो जाती हैं, एकदम फिक्स हो जाती हैं, तो उन सब के साथ भी किसका यूज किया जाता है? सिंस का यूज। तो सिंपल है सिंस का यूज, कि जो समय बताया जाता है 7 AM 7 PM उनके साथ, जो दिन होते हैं मंडे ट्यूसडे उनके साथ, जो पार्ट ऑफ डे होते हैं मॉर्निंग इवनिंग उनके साथ, मंथ होते हैं जनवरी फरवरी मार्च सब उनके साथ, ईयर होते हैं 2016 17 उनके साथ, जो दिखे हमारा नाम होता है मौर्य एज आइस एज
उन सब के साथ भी यूज किया जाता है। जो फेस्टिवल होता है होली दिवाली उनके साथ भी, सीजन होते हैं समर विंटर वगैरह उनके साथ भी, स्टेज ऑफ लाइफ होती है चाइल्डहुड यूथ उनके साथ भी, और जो हमारे पर्टिकुलर कोई इवेंट्स होते हैं पर्टिकुलर जो होते हैं जो फिक्स होते हैं जो चेंज नहीं हो सकते जिन्हें हम बदल नहीं सकते, इवेंट्स वही तो होते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, तो इन सब के साथ हम किसका यूज करेंगे, सिंस का। तो होप सो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। तो जो पहली बार देख रहे हैं अगर आप ऐसी वीडियो और चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नीचे एक लाल बटन दिया हुआ है जिस पे आप दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जो भी और वीडियोज़ देख रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा कि आपको कैसे समझ में आया। टेंस मैं प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ, इसके बाद हम पास्ट टेंस को स्टार्ट करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस में कहाँ कुछ डाउट है, समझ में आया, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, हेल्प मिल रही है या नहीं, इसके बारे में ज़रूर कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ इसको आप दूसरे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए जिससे उन्हें भी इसके कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत हेल्प होगी। जिन्हें भी इंग्लिश लगता है कि वीक है, एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा, कहीं ना कहीं मिस हो रहा है चीज़ें, तो उन्हें ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए जिससे उन्हें कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो उन्हें शेयर करना मत भूलिएगा। तो मैं कालका आईएएस की तरफ से आपसे यहीं विदा लेती हूँ, होप सो आपको समझ में आया होगा, और आप सभी को एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक विशेस करती हूँ। धन्यवाद।